अस्सलामुअलैकुम, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम तकमील आशियाना में मैं हूं आपकी होस्ट जुबी अली और मेरे साथ आपकी प्यारी राज दुलारी शेफ सोनिया होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी सी जुबी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ, करम है अल्लाह का। और बताएं क्या किया खाना पकाने के अलावा? मुझे पता आप बहुत अच्छा बनाती हो। खाना पकाने के अलावा तो कुछ भी नहीं किया। बस कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खाना बनाया। ये भी मैं भतीजी की शादी है ना, तो उसमें आना जाना लगा हुआ। अच्छा अच्छा हो रहा है जी। हाँ, शादियों में बिजी हैं और अब तो जाना भी है। शादी में जाना भी है। हाँ, एक तरफ से भतीजे की शादी है, एक तरफ से दूसरी भतीजी की शादी है। भतीजा और भतीजी की शादी है, वो कजन का बेटा है। और ये जो है भाई है छोटा मेरा ना, तो उसकी यानी कि ना बेटी की शादी है। ये सगा भाई है, वो कजन है। ठीक है, बहुत एंजॉय करना जी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना, बहुत दुआ करना। ये खैर खैरियत से ये लो। हाँ जी, और फिर वहां से आना तो हमें सच सच मुच अच्छा वाला बताना कि कैसा एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया, वो बताऊंगी आपको बिल्कुल। लेकिन अब सच सच और झूठ की बात निकली है तो ऐसे मैं बताऊं, आजकल सच बोलने का रिवाज बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन नहीं, हम तो सच ही बताएंगे आपको सारी। हाँ, मैं एक जनरली बात कर रही हूँ। सोनिया तो हमारी अच्छी सच्ची बहन है, लेकिन अब पता क्या, अब मुबालगा आराई ज्यादा हो गई है। आजकल तो बस कहते नहीं, दिखावा भी बहुत हो गया, झूठ भी, दिखावा भी। हाँ बिल्कुल, और मतलब वो बात कर रहे होते हैं जिस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता ही ना हो, उसे नहीं होता। हाँ, तो उसे झूठ ही कहेंगे ना। हाँ, झूठ ही कहेंगे, सही बात है। आजकल लेकिन झूठ कुर्बानी होती है तो जानवरों के सामने खड़े होकर पिक्चर ले लेते हैं, गाड़ियों के आगे खड़ी होकर जी हमारी है। आजकल झूठ को तो जैसे ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई मायने ही नहीं रखता। हाँ, झूठ को झूठ ही नहीं मान रहे, बल्कि मैंने तो कुछ ऐसे लोगों से भी मेरी बात हुई कि वो बोलते हैं, अरे ये तो टैलेंट है, ये हम जिस तरह बोलते हैं ये हमारा टैलेंट है। टैलेंट है, आप टैलेंट तो चेक करें, ये इस तरह की बातें होती है। हाँ, शर्म नहीं आती कि हम मुस्लिम है और हमारी अच्छी आदतें अंग्रेजों ने ले ली। अंग्रेजों में सही बात है भाई। अच्छा, कुछ लोग वाकई ऐसे झूठ बोल रहे होते हैं सच का गुमान हो रहा होता है। हाँ, गुमान हो रहा होता है क्योंकि उनको आदत है ना बोल बोल कर। कहते अच्छा, बड़ा मजा आता है। आता बड़ा मजा है कि पता हो, जब मुझे पता हो ना कहीं झूठ बोल रहा है तो बार बार वही चीज दोहराती हूँ। कभी कोई बयान होता है, कभी कोई बयान होता है, कोई बयान होता है, बोलने वाला भूल जाता है ना। हाँ, सच तो एक ही रहेगा, उसमें तो कोई कमी होगी नहीं, कमी नहीं होगी, सही बात है। लेकिन बस और बस आजकल फकीर तादाद इतनी बढ़ गई है ना कि मतलब मैं थोड़े से रास्ता, बाहर निकलना मुश्किल। हाँ, रोजमर्रा की आप जो लेकर आते हैं वो इतनी ही देर में इतने सारे फकीर आ जाते हैं। बहुत ज्यादा अल्लाह से नहीं मांगते ना, बंदे से मांगने की आदत पड़ गई तो बंदा झिड़कता ही है। मेरी बात सुने, वो काम करे ना, हट्टे कट्टे औरतें, आदमी औरतें बैठी हुई हैं तो बच्चे लेके उंगलियों किया हुआ है कि भाई अल्लाह के नाम पे दे दो। हाँ, तो एक नया सिलसिला, नमाज पढ़ लो। हाँ, एक नया सिलसिला, तो ये भी पता है कि आटे की थैली कितनी है, कि हमें इतने पैसे चाहिए। ये सब प्रोफेशनल है। हाँ, उनको पैसे चाहिए, आप किसी को कुछ दो ना। कहती जी अभी एक कह रही थी कि हमारी कजन की शादी है तो मुझे कपड़े चाहिए, तो मुझे मैंने कहा मेरी भी बना भतीजी की शादी, ऐसा करो तुम मुझे दे दो। मैंने कहा भाई इंसान जो है ना, अब क्या क्या करे, कितना दे, क्या करे, किसको देना, महंगाई के इस
कदर जो है ना, नहीं नहीं बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। हाँ बहुत सर्वाइव करना, घर चलाना ही पूरा करता है। बेशक वो कादिर कुदरत है, वो हर चीज में अपनी हिकमत है उसकी, लेकिन इंसान अगर अपना दिल बड़ा करे, देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन मांगने वाले की आदत ऐसी हो गई है ना। मैं कहती मांगो नहीं, हमारा दिल चाहेगा हम आपको ज्यादा दे देंगे। मैं भी इसी सवाल नहीं करो, सवाल नहीं करो मुझसे ना। अच्छा एक दफा दे दिया, अब उन्हें लग गया कि यहाँ से तो मिलना है और बस अब मांगते रहो। जी हाँ, इससे मांगते रहो बस, ये है 10,000। मेरे भाई ने निकाल दिया घर से, ये हो गया वो हो गया, उन्हें कह रहे भाई अब क्या करें, समझ से बाहर। नहीं तो अच्छा हम लोग भी कितना देंगे, कितनों को देंगे, ये भी तो एक बात है। बर्दाश्त वो होती है ना कि इंसान की बर्दाश्त कितनी, वो उसकी मांगने की बर्दाश्त खत्म नहीं होती। हाँ। हम जो इतना कर नहीं सकते भाई, जो सच्ची बात है, इंसान अपना बच्चा अपना खानदान है, ये है वो है, अभी देखे ना शादियां हैं, दो दो तीन तीन शादियां, और कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा, जाना जाना, देना देना अलग है, जाना अलग है, जितनी उनकी शादी में खर्चा जितना उनका, और अब हम पूरे कबट खोल के बैठे हुए कि इसमें से कौन सा जोड़ा पहने, नहीं ये तो पहना हुआ था हमने पहन लिया, ये नहीं दूसरा लेंगे, अब तो बच्चे यही कर रहे हैं बैठे। हाँ ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है, ये नहीं पहनना है, ये ऐसा नहीं है, शूज भी चेंज कर दे, मुझे दूसरी चीज दिलवा दे, अरे भाई यही पहनो, और कितनी फिर भी रखे हुए, नहीं ये नहीं दे दो फिर किसी को, उठा देना भी नहीं उसे दिल भी ना भरा होगा अभी, लेकिन वहाँ नहीं पहनना, नहीं वहाँ नहीं पहनना, वहाँ पहन लिया था ना, मामू के घर पहन लिया था, तो खाला की शादी में, बेटी की शादी में पहन लिया था भाई, मामा दूसरे दिला। हाँ देख लें, सोनिया तुम्हारे खर्चा ही खर्चा है बहुत खर्चा है यार। अच्छा जाना बाय रोड था, हस्बैंड तो कह रहे हैं कि बाय एयर जाओ, मैं कह रही हूँ बाय रोड जाऊंगी। अच्छा। मुझे जरा अच्छा लगता है देखना रुकना, खाना पीना जरा एंजॉय करती हुई, एंजॉय करते हुए जाते हैं, एंजॉय हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं कहती हूँ कि नहीं मैं ऐसे जाऊंगी, सिर्फ ये प्लेन का ये कैसे टाइम बचता है, बस ये है, दो घंटे में हम पहुँच जाते हैं, दो से ढाई घंटे, दो घंटे लोग। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल फ्रेश होकर पहुंच जाते हैं। हाँ भले यहाँ से तैयार होके हम बारात में शामिल, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, जिस दिन यहाँ मेरी भतीजी की वो है मायो है ना, उसी दिन वहाँ दूसरे वाले जो वो है उनके भतीजे की वो है माया मेहंदी है वहाँ पे। अच्छा तो डायरेक्ट मेहंदी पे इसी तरह ही चले जाना। हाँ यहाँ से तैयार वगैरह होके, तैयार होकर डायरेक्ट चली जाओ, हाँ वो लोग ले लेंगे। हाँ, क्या होता है, क्या कहाँ तक देखे बाय रोड, तो फिर थकन थकन भी होगी, एक दिन थकन उतरेगी, थकन भी। हाँ ये बात ये है। हाँ वहाँ तो मौसम अच्छा होगा, लेकिन हमारी तरफ मौसम अच्छा नहीं हो रहा, वहाँ तो ठंड हो रही है बहुत, और यहाँ देखिए पानी खोलता हुआ आ रहा है नलकों में, वहाँ पे तो कह रहे हैं कि जी सर्दी के कपड़े लेकर आना, शॉल वगैरह लेकर आना। मैंने कहा भाई 3 दिन आना है, तो कह रहे हैं 3 दिन के अंदर आपको जो है ना सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, रख लेते हैं, उसका भी इंतजाम है। हाँ शॉल मोजे रख लेना, पड़ी जाती है जरूरत, तो ऐसा तो नहीं है। आज इतना गर्म पानी था सोनिया कि मैं वजू के लिए खड़ी हुई ना, तो मेरा दिल ना करे मैं इतना गर्म पानी मुंह पे, इतना गर्म पानी। बस ये भी माशाल्लाह पाक की, कुछ दिनों में हम कहेंगे जी गर्म पानी लाओ, इंसान से चैन नहीं है, सुकून नहीं है इंसान को। लेकिन भाई देखो गर्मियों में तो गर्म पानी अच्छा नहीं लगता ना। हाँ गर्म पानी नहीं अच्छा लगता। हाँ सर्दियों में जरा ठंडा गर्म पानी को जी चाहता है, और सर्दियों में गर्मी गर्म पानी को जी चाहता है कि जी ठंडा पानी हो, और सर्दी में ठंडा पानी आता है, गर्मी में गर्म पानी आता है जी। थैंक यू सर, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। फिर धूप नहीं ना लगती उसको, तो वो मौसम ठंडा ठंडा होता है, इसलिए वो गर्म भी नहीं, वो गर्म में। और अगर तेज धूप लगेगी तो समझ लो गर्मी है ना, लाइन पे लाइन से ताजा पानी तो वो गर्म आ रहा होता है। पंजाब में मैंने देखा है कि गर्म लाइन के पानी से नहा रहे हैं, और गर्म पानी पानी गर्म करने की भी जरूरत नहीं है सर्दियों में, सब बड़ा मजा आता है। मैंने कहा भाभी से, हमारी भाभी है कजन की वाइफ, तो हम कहते हैं भाभी वो गीजर चल रहा है, गीजर तो है ऑन, लेकिन आप इसी से नहा लो। मैंने कहा है,
ये ठंडा पानी नहीं है कहने की, नहीं है वाकई, आप यकीन करो कि गीजर की जरूरत हाँ? ही नहीं पड़ी, इतना मजा है पानी का। हाँ गर्म पानी बड़ा मजा है, उस पानी से नहा के आपको ठंड भी नहीं लगती। अंडे बॉईल करके रखे हुए थे, चाय ये ले लो या कॉफी पी लो या चाय पी लो। अरे वाह, नहा के फिर चाय कॉफी। हाँ चाय कॉफी अंडे के साथ। अरे अरे अरे, और वो बॉईल अंडे तो इतने मजे के लगते हैं मुझे। सारे बॉईल करके रख देते हैं वहाँ के, तो खाते ही जाओ। अच्छा वहाँ है।